एसडीएम सहजनवा से पीड़ित की गुहार, एक बार हमारी भी सुनो तहसीलदार। गोरखपुर जनपद के सहजनवा तहसील क्षेत्र ग्राम रावतपार में मानसिक रोगी के जमीन को भू माफियाओं द्वारा फर्जी तौर पर बैनामा कराने का मामला सामने आया है। बताया गया है कि विगत वर्ष 2012 में मानसिक रोगी और मिर्गी के मरीज रहे राधे रमन को शादी का झांसा देकर आंशिक भूभाग रकबा 1 एकड़ 40 डिसमिल जमीन बैनामा करा लिया गया। जब बड़े भाई रामसूरत यादव को पता चला तो तत्काल सहजनवा थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया और तहसील में आपत्ति डाल दी, जिसकी सुनवाई दीवानी कचहरी बांसगांव में चल रहा है। वहीं मृतक राधे रमण के भाई राम मूरत यादव ने बताया कि हम गरीब व्यक्ति भू माफियाओं के आगे असहाय नजर आ रहे हैं, विरोधियों के हौसले बुलंद हैं। एसडीएम सहजनवा से पीड़ित पक्ष गुहार लगाते हुए एक बार पीड़ित पक्ष का सुनकर निर्णय लेने का अनुरोध कर रहे हैं। उक्त मामले में एसडीएम सुरेश राय से बात हुई तो पीड़ित पक्ष मुलाकात कर चुका है। तहसीलदार ने पीड़ित पक्ष की बात सुनकर निर्णय लेने की बात कही। मामला आपका, आप परेशान है जैसे कि आपके भाई के मामले में। मैं रामूरत यादव, ग्राम रावतपार, मेरे भाई का नाम राधे रमन, जो मानसिक रूप से मंद बुद्धि का था और मिर्गी का मरीज था। जबरेला के हमारे गांव के बगल में जबरेला गांव बिस्कोहर के राम नरेश पुत्र शंकर और नंदलाल पुत्र अक्षयवर भू माफिया दोनों ने मिलकर उसको बहला फुसला करके और धमकी दे करके ले जा करके जायदाद लिखवा लिए फर्जी। आप क्या किए हैं उसमें, कोई मुकदमा किए हैं? हाँ, हमको जानकारी होने के बाद हम तहसील में आपत्ति दाखिल किए और सहजनवा थाने में FIR दर्ज कराए। उसके बाद 12 साल से मुकदमा चल रहा है। राम नरेश बनाम राधे रमण, नंदलाल बनाम राधे रमण और आरती बनाम राधे रमण, जो मौजूदा तहसीलदार हैं नीलम तिवारी, एक दिन के चंद्र मिनट में वह दबाव में आकर के और उसको हमारे खिलाफ फैसला करना चाहती हैं। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमको उचित